हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं IBPS PO का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना ये बता रहा हूँ। आपको गूगल पर जाकर IBPS.in ऐसे करना है, या स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह आपका पेज आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर PO और MT 11, इस तरह वहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस पेज का आएगा, तो इस पेज का लिंक भी मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस पर आ सकते हो। अगर जो नए न्यू रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे आपको उनको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उनको यहाँ पे ID और पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर आपको सबमिट करना है और लॉगिन करना है। यहाँ पे उन्होंने डेट्स दी हुए, ऑनलाइन डेट, क्लोजिंग डेट, पेमेंट का लास्ट डेट कब है, वो सब डेट्स यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, सब यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आप स्क्रीन पर देखते हो, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है कैंडिडेट उनके लिए इस तरह आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी जो भी है आपको यहाँ पे डालना है, ताकि उस पर आपको मैसेज आ सके। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कैप्चर डालकर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपको यहाँ पे आपका ID और पासवर्ड आ जाएगा, वो आपको नोट डाउन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फोटो और यहाँ पे आपका नीचे साइन, फ़ोटो और साइन का मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पर इस तरह आपका फ़ोटो और साइन अपलोड कीजिए, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था नेक्स्ट यहाँ पे आपको करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है आपकी वाली वो आपको यहाँ पे मांगे, जैसे कि कास्ट जो भी है आपकी वो वाली। उसके बाद आपका अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो तो येस कीजिए, नहीं है तो नो करिए, नो। और यहाँ पे मैं आपको जो स्टार मार्क है वही फिल कर रहा हूँ, और आप भी वही कर सकते हो, और आपके कंडीशन के आपके हिसाब से आप इसको यहाँ पे येस नो कर सकते हो। जो आप इसको रिलीजन जो भी है आपको वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे डाल रहा हूँ। माइनॉरिटी बिलोंग्स करते हो तो येस कीजिए, नो करिए। अगर आप इसके पहले गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो येस कीजिए। इसके पहले आपने कभी इस एग्ज़ाम दिए हुए तो येस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। यहाँ पे आपको नेशनलिटी सबको पता है इंडियन, आप कौन से स्टेट के लिए ये एग्ज़ाम बिलोंग्स करते हो वो यहाँ पे डालिए, कौन से इसमें आपको देना चाहते हो एग्ज़ाम, कौन से स्टेट में, तो उसके हिसाब से आपका सेंटर कोड एग्ज़ाम का ओपन हो जाएगा, जैसे प्री एग्ज़ाम का और मेन एग्ज़ाम का भी। जैसे कि यहाँ पे सेंटर प्री एग्ज़ाम का सेंटर जो है आप कोई भी डाल सकते हो, मुंबई, नागपुर, नांदेड, लातूर, कोल्हापुर या जड़गांव, जो भी आप आपके हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम का जो है वो भी आप डाल सकते हो, मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, औरंगाबाद, इसमें से आप कोई भी डाल सकते हो। ये आपके हिसाब से जो स्टेट से जाते हो उसके हिसाब से आ जाएगा। यहाँ आपका ID प्रूफ यहाँ पे डालना है, या आप कोई भी देख सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID, कोई भी देख सकते हो आप यहाँ पे, तो उसका आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर, अगर ट्विन सिस्टर है तो यस नो कीजिए, अपने हिसाब से अपने की जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको मैरिड अनमैरिड है वो डाल सकते हो। इसके बाद आपको आपको फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी डाल सकते हो, या फिर जो आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस हो सकता है, या फिर करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग आप डाल सकते हो। ये सब होने की वजह से कि मैंने कहा था, अगर आपका दोनों अलग है तो दोनों सेपरेट अगे सेपरेट सेपरेट डालिए, अगर नहीं है तो ये बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करके आपका सेम रख सकते हो करस्पॉन्डेंट एड्रेस एज ए परमानेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे फी चार्जेस दिख रहा है 175 रुपये, और ये होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन के बारे में यहाँ पे फिल करना है, आपने जो भी इसमें अपने डिग्री की हुई है उसके बारे में आपको यहाँ पे फिल करना है। स्ट्रीम में आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, जो भी आपका पासिंग है वो यहाँ पे डाल सकते हो, उसका परसेंटेज कितना मिला है आपको वो डाल सकते हो, और कौन से ग्रेड आपको मिला है, ए मिला है, बी मिला है, जो भी आपका ग्रेड है वो यहाँ पे डाल सकते हो, यानी कि फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे जैसे कि परसेंटेज आपको डालना है, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट, सेकंड या फिर पास, ऐसा यहाँ पे। उसके बाद नीचे आना है आपको, यहाँ पे आपका कंप्यूटर नॉलेज है तो यस कीजिए, उसके बारे में आपको किस इसमें कंप्यूटर नॉलेज है उसमें आप फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद आपका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो डालिए, अगर आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग देना चाहते हो तो यस कीजिए। उसका सेंटर भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो,
और अगर आपने कोई कोड किया हो तो आप उसको यस नो कर सकते हो, या फिर कौन सा स्टेप डाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं अपने सेंटर यहाँ पे चूज करता हूँ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का। तो उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपका लैंग्वेजेस डालना है जो भी आपको फर्स्ट रेफरेंस आप देना चाहते हो, या हिंदी, इंग्लिश, मराठी, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है वो दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस जो है इंग्लिश डाल रहा हूँ, तो आप भी कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद इसका जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरह आपको डालना है, और ये सब होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आपको आपके रेफरेंस आ जाएगा कौन से बैंक को फर्स्ट रेफरेंस देना चाहते हो। उस तरह यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स पर से क्लिक करना है, और ऑटोमेटिक ये राइट हैंड साइड में वो आ जाएगा। जैसे मैं ये दिख रहा हूँ, रैंडमली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो रैंडमली इस राइट हैंड साइड में आप आ रहे हैं। आप भी इस तरह कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आपको यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा। ये सिर्फ पार्ट वन है, आपको पार्ट टू देखना है तो